नरोना का है, वो पूछते हैं, ईसा मसीह तो बाइबल में कहता है कि मैं इब्राहिम से पहले हूं, तो फिर वो खुदा कैसे नहीं? भाई ने जो सवाल किया, उन्होंने बाइबल का हवाला नहीं दिया, वो जिक्र कर रहे थे गॉस्पेल ऑफ जॉन के बारे में, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 58, जहां ईसा अलैहि सलाम कहते हैं आई एम बिफोर इब्राहिम। और इससे कुछ ईसाई ये साबित करना चाहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदाई का दावा किया। क्यों ये कहना चाहते? उनके दो तीन वजह हैं। अगर हम इसकी मानी लेते आई एम बिफोर इब्राहिम, उसका मतलब ये होता है कि ईसा अलैहि सलाम इब्राहिम से पहले थे। ये कौन कह रहा है? हम जब देखते हैं, हमें पता लगता है बाइबल में इन द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5 में लिखा है कि गॉड कहते हैं जरमाया से, क्या, आई न्यू यू बिफोर आई सैंक्टिफाइड यू इन द वूम ऑफ योर मदर एंड बिफोर यू वर बॉर्न आई हैव सैंक्टिफाइड यू एंड सेंड यू एज अ प्रॉफिट टू द नेशन। इसका मतलब कि खुदा के इल्म में सारे इंसान थे, सारे इंसान इस दुनिया में आने के पहले खुदा के इल्म में थे। ईसा अलैहि सलाम आने वाले वो भी खुदा के इल्म में था, इब्राहिम अलैहि सलाम आने वो भी खुदा के इल्म में था। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहि सलाम खुदा थे। लेकिन वो और एक हवाला देते हैं, जब मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह सुबहाना ताला भेजते हैं फैरो के पास अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, इसका जिक्र है बुक ऑफ एग्जोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में, जब खुदा कहते हैं मूसा अलैहि सलाम से जाके पैगाम पहुंचाओ फैरो को, और उस वक्त मूसा अलैहि सलाम पूछते हैं मैं लोगों से क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है, जब बनी इसराइल को पैगाम पहुंचाने के लिए कहते तो मैं क्या कहूं उनसे किसने भेजा है, तो खुदा जब जवाब देते उनसे कहो टेल देम आई एम हैज सेंड यू, खुदा कहते मैं आई एम हूं, और उनसे कहो कि आई एम ने भेजा है। एक नाम खुदा का ईसाई के हिसाब से है आई एम, आई एम ने भेजा है। अगर हम मान भी लेते हैं कि आई एम खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, खुदा का नाम है, तो हम जब ट्रांसलेट करते आई एम बिफोर इब्राहिम के मानी होते खुदा इब्राहिम से पहले, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन लोग दोनों को मानी को भी मिलाते हैं और नाम भी मिलाते, आई एम अगर खुदा के लिए है अगर देखा जाए तो जो लफ्ज जो प्रॉपर नाउन होता है वो वही रहता है जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था बुक ऑफ एग्जोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में, वो हिब्रू लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, ये है ऐशे ये। लेकिन जो अरामैक और ग्रीक में न्यू टेस्टमेंट में इस्तेमाल किया गया गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 में वर्स नंबर 58 में, वो लफ्ज है इगोएमी। दोनों का फर्क है, मान भी लेते अगर एक है तो भी इससे यह साबित नहीं होता कि ईसा अलैहि सलाम ने खुदाई का दावा किया। इससे यह साबित होता है कि खुदा इब्राहिम अलैहि सलाम से पहले थे, इससे कहीं साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहि सलाम खुदाई का दावा किए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।